watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैपिटल टीवी वाशिंगटन से मैं हूं नौशीन और आप इस वक्त देख रहे हैं टुनाइट विद नौशीन बेग। आज हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ दुआ की। दुआ इज द मोस्ट पोटेंट वेपन ऑफ अ बिलीवर। और दुआ के टॉपिक से सबसे अच्छे जो हमारी फेवरेट स्कॉलर, हमारी जो है लेजेंड है पाकिस्तान की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको मैंने इनवाइट किया है और उन्हें वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में विदाउट एनी डिले अवर टाइम। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मैमूना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपके लिए जो है वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ पे वाईफाई नहीं था, उसके लिए आपने वेट किया और उसी वजह से जो है प्रोग्राम में थोड़ी सी ताखीर हो गई। लीजिए आइए, अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन में ही हम प्रोफेसर मैमूना से जो है वो क्वेश्चंस पूछते रहेंगे उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी जो जिंदगी गुजरी उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। प्रोफेसर मैमूना इज द डॉटर ऑफ रेनाउंड पाकिस्तानी रिलीजियस स्कॉलर मलिक गुलाम मुर्तजा मलिक, who lived in Medina Munawwara and worked at Islamic University for many years before he returned to Pakistan. Professor Mamuna, iske bare mein bataiye, jab aap choti si thi, jab aap log Medina Munawwara aap log migrate kiye aapke walid ke sath, Malik Ghulam Murtaza Malik Shahid unke sath, to wo waqt jo hai aapka kya tha, mulk chhodte hue aapko jo hai wo sadness thi, उदासी थी, या उस वक्त जो है आप इतनी छोटी थी उस वक्त आपको आइडिया नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशीन, मदीना मुनव्वरा का जो कयाम है वो मेरी जिंदगी का के बेहतरीन अय्याम है। गो के बचपन था लेकिन वहीं बड़े हुए, और सच पूछिए तो हम लोग इस मामले में बहुत नाकाम रहे। कम से कम हम सोच भी नहीं सकते कि हम उस वैसा कर सकते हैं जैसे हमारे वालिद ने हमारे दिलों में रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली, और जिस तरह से हम लोगों को उन्होंने जिक्र करना सिखाया, दरूद पढ़ना सिखाया, और डेली वहां ले जाते थे खुद फज्र की नमाज में सब बच्चों को जगा के साथ में ले जाना, इशराक तक वहां रुकना, फिर मगरिब और इशा डेली खुद भी वहीं पढ़ना, हमें भी वहां पे पढ़ाना, यानी जमाने तक ये रूटीन रही। और फिर वहीं बड़े हुए, वहीं शादियां हुई, मैं दो बहनों का निकाह भी, मेरा भी, सफिया का भी हरम शरीफ में हुआ, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद शादी के बाद जब मैं अमेरिका आई तो आप यकीन कीजिए कि मुझे बॉस्टन में जब मैं सड़कों पर भी ड्राइव कर रही होती थी, किसी चर्च के पास से भी गुजरती थी, तो मुझे फील होता था कि यहाँ से भी मुझे अजान की आवाज आएगी। कभी कभी मुझे लगता था मैं मदीना की गलियों में सड़कों पे हूँ, और फिर मैं खामखा किसी भी पार्किंग लॉट में रोक के गाड़ी रोना शुरू कर देती थी और ये दुआ करती थी कि मैं कब लौट के वापस मदीना जाऊंगी। तो एक बात तो तय है कि मदीना मुनव्वरा हमारी जिंदगी के लिए, हमारी शख्सियत के लिए, हमारी तरबियत के लिए वो कयाम बेहतरीन था, वो अय्याम बेहतरीन थे, और वही जमाना, वही दिन, और उन्हीं दिनों की दुआएं, बरकतें, रहमतें हमने इतनी समेटी माशाल्लाह। जैसे उस जमाने में पानी का जहाज भी होता था, लोग रमजान से पहले से आ जाते थे और हज करके लौटते थे, 4 से 5 महीने तक हमारे पास गेस्ट होते थे, और अबू जान तो जिसको भी देखते थे उसे घर पे ले आते थे। घर काफी बड़ा था, हम लोग बहुत मेहमान नवाजी करते थे, हमारी ड्यूटीज लगी हुई थी, कोई मेहमान को खाना खिलाने की, किसी को 40 नमाजें पढ़ाने की, किसी को ज्यारत कराने की। अल्लाह अकबर। हम लोगों ने इतनी दुआएं ली उस जमाने में
कि मुझे अब वो महसूस होती है। आप यकीन कीजिए, मैं दुनिया में कहीं पर भी चली हूं, मुझे सुकून, दिल की भड़ास कहें, अभी पिछले दिनों बहुत सारे हालात और वाकयात ऐसे हुए कि मेरा दिल बहुत भरा हुआ था। जैसे वो भड़ास निकालने को जी चाहता है ना, रोने को, और कभी कभी इंसान किसी कंधे का मतलाशी होता है। जब मुझे ऐसी कैफियत होती है तो मैं मदीना शरीफ चली जाती हूँ, और मैं 3 से 4 दिन अगर वहां गुजार लूं तो मैं बिल्कुल ठीक भली चंगी होकर लौटती हूँ। भले वो मेरे घर के मसाइल हों, जॉब के मसाइल हों, दुनिया के मसाइल, कोई से भी मसाइल। तो मैं, हम लोग वहां रहे माशाल्लाह, काफी कयाम वहां हुआ, और अबू जान को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में रखे, उन्होंने बड़ी मेहनत की हमारी तरबियत पे। हमें अक्सर वीकेंड पे या एवरी अदर वीकेंड, आमतौर से तो हर वीकेंड पे नहीं, तो एवरी अदर वीकेंड हम वहां से उमरा करने जाते थे। मक्का मुकरमा में भी उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ था, दो दोस्तों ने मिलके, 1 वीक वो जाते थे, वो रुकते थे, 1 वीक हम जाते थे, हम रुकते थे। रमजान पूरा आमतौर से वहां पे गुजारते थे। मुझे याद है कि अबू जान शुरू शुरू में मदीना से हम लोग 1 वीकेंड पे चले गए, तो ये दस्तरखान लगवाते थे रमजान में, हम लोग खाना बना के देते थे और ये दस्तरखान लगाते थे। तो हम सब चले गए उमरा करने, जब लौट के आए तो यानी जमाने में थर्सडे फ्राइडे ऑफ होता था, तो जब सैटरडे कार में दस्तरखान लगा तो लोगों ने इंतजार कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि शेख आप कल कहाँ हो, 2 दिन हमने बिरयानी नहीं खाई इफ्तार में। अबू ने दूसरी बता दी कि एक लड़का और एक लड़की, यानी एक भाई और एक बहन, रुकते बारी बारी, यानी भाई ड्राइव करेगा, बहन खाना बनाएगी। तो हमारी जोड़िया बना दी, अब्बू मम्मी हर हफ्ते उमरा करने जाएंगे, आधे बच्चे साथ जाएंगे, आधे मदीना में रहेंगे, जो वैसे ही दस्तरखान लगाएंगे और इफ्तार करेंगे। अब हमें पता चला कि आप जो है इतनी जबरदस्त बिरयानी की बनाती हैं, इतनी आपके हाथ से जायका जो हमने सुना है बिरयानी का, उसका जो है सीक्रेट आज पता चल गया। डेफिनेटली उसमें मदीना की मोहब्बत और मदीने वालों की मोहब्बत है, उनकी दुआएं हैं आपके लिए। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मैं आपको बताऊं, मैं महसूस करती हूँ उन हुज्जाज की दुआओं को। जब बच्चे होते हैं ना तो उनको ना पता होता है कि दुआ कौन सी मांगनी चाहिए या दूसरों को क्या कहना चाहिए। मुझे याद है एक बुजुर्ग की मैं बहुत खिदमत करती थी एतकाफ में, तो मैंने उनसे कहा दुआ कीजिएगा, उन्होंने कहा बेटी क्या दुआ मांगो, और मैं बिल्कुल ही बेवकूफ थी, कह रही हूँ आप दुआ कीजिएगा कि मैं बीए कर लूं। उस वक्त तो वही आपका फोकस था, इसलिए आपने वही दुआ कर तो वो ना उन्होंने मुझे बड़े अचंभे से देखा, बड़े गौर से देखा, कहा बस ये दुआ। अच्छा आप यकीन करें, मुझे लगा कि मौलाना को क्या हो गया, मतलब इतनी बड़ी दुआ मैं मंगवा रही हूँ, मेरे लिए तो वही एक बहुत बड़ी बात थी। सही। इसी तरह नेक नसीब की दुआ करते थे लोग, बड़ी बड़ी दुआएं करते थे, तो मैं सोचा करती थी कि ये भी चाहिए होगा। अबू जान कभी कभी मुझे सिखाते थे कुछ दुआएं, जैसे दुश्मनों के लिए होती हैं कि आप अपनी हिफाजत के लिए करें। मैं बहुत ही नादानी से पूछती थी, मेरा कौन दुश्मन हो सकता, मैं क्यों करूं? तो मुझे कहते थे बस तुम्हें करना है, अच्छा तुम शैतान को जिन में रख लो। तो तब शैतान को जहन में रख लेते थे, और अब आप यकीन करो नौशीन, हर हर दुआ करनी पड़ी है। वाकई अब पता चला है जिंदगी में कि बुजुर्गों की बातों में, दुआओं में, नसीहतों में कितना दम था। माशाल्लाह, आपने अपने वालिद साहब की बात की, अब्बू जान की बात की, आपकी वालदा की भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, वो भी एक दुआ करती थी जो उस वक्त आपको समझ नहीं आती थी, और आज जो है वो, आज जो है वो आप इतना अरूज मिला माशाल्लाह, दिल में आपकी जो है वो उतर जाती है आपकी बातें, आपकी नसीहतें, तो वो दुआ क्या थी आपकी वालदा की? अम्मी हुजूर हमेशा ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बेटी को उरूज अता करे और मैं देखूं। सही। और सच तो ये है कि
मुझे उरूज का मतलब आज तक समझ में नहीं आया, मैं हुजूर कितना उरूज देखना चाहती हूँ और किस टाइप का। लेकिन मैंने उनसे हमेशा ये दुआ ये सुनी और भी बहुत सारी, मगर ये मैंने बहुत ज्यादा सुनी और तब तब से सुन रही हूँ, तब जब से मुझे इस उरूज का मतलब पता नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी उनकी दुआओं के सदके में। मेरे लिए तो अम्मी की दुआएं ना ऑक्सीजन का काम करती हैं। और सच माशाल्लाह पूछो ना, अम्मी हुजूर ही अब सबसे बड़ा मेरा सरमाया है। अब्बू माशाल्लाह जान जब तक हयात थे ना नौशीन, मुझे जिंदगी की कोई परेशानी नहीं करती थी, और हर बात उनसे करती थी, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। अबू जान के बाद फिर मैं अम्मी की हिफाजत करती हूँ। मुझे अम्मी हुजूर अबू जी की बड़ी लाडली, बड़ी प्यारी, अबू ने बहुत अम्मी को संभाल के रखा, बहुत ज्यादा इज्जत, प्यार, मोहब्बत, वफादारी। माशाल्लाह तो मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला हमसे कुछ ऐसा करा ले कि हम जब अबू जान से मिलें तो सुरखुरू हों। आमीन। जब आपकी अम्मी जान से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक बच्चा है जो एवरीडे कॉल करता है, मुझे याद करता है, मुझसे बात करता है। और मेरे ख्याल में एक वन ऑफ द रीजन जो है दुआ कबूल होने की वालदैन की, एक ये भी है। बिल्कुल है, देखिए मैंने महसूस किया है कि इंसान, आप जिसे ताल्लुक रखते हैं ना उससे आपका वास्ता होता है, बंदे का रब से वास्ता होता है। रब खालिक है, आप मखलूक हैं, उसने आप में अपनी रूह फूंकी है, फिर भी वो 5 बार आपको बुलाता है और जो उसके जवाब में हाजिर होता है उसको वो अपना बंदा कहता है। माशाल्लाह तो 5 बार हाजिरी दे के और जो और भी करीब हैं वो फिर और नींद से जागकर भी उसके करीब होते हैं, बातें करते हैं उससे, तो हम वो हाजिरी दे के उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, बावजूद इसके के खालिक और मखलूक का जो ताल्लुक है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कितनी मोहब्बत का और कितनी कुर्बत का है, फिर भी हमें यकीन कराना पड़ता है। तो ये जो मोहब्बत है वो इजहार मांगती है, उसको भले रब के साथ हो, भले माँ बाप के साथ हो, ताल्लुकात में हो, तो उसमें जब आप वास्ता न रखें, दूर बैठें, बातचीत ना हो, मैं आपकी खैरियत भी ना पूछूं, साल साल मेरा आपसे कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन मैं दावा करूं मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको तो हंसी आएगी ये सुन के। ये कैसी मोहब्बत है जो खैरियत भी नहीं मालूम करती। आप प्रोफेसर मैमुना, जब आप दुआ करती हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उस पर आज है रिफ्लेक्शन करेंगे। जैसे आप जी कहते हैं कि ए अल्लाह अपना जिक्र और फिक्र नसीब फरमा, और जो आपके साथ क्लास अटेंड करते हैं, जो आपके साथ कुरान समझ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली जो है मैंने ये सब जो आपकी दुआ जो है उस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि हम और भी जो है दिल से, कहते हैं ना, दुआ मतलब के साथ, यकीन के साथ जो है वो दुआ हो। जिक्र होता है याद करना और फिक्र होता है सोचना। जिक्र दो टाइप का होता है, एक तो ये है कि आप जबान से याद करें, जैसे हम दोनों बैठे अबू जान को याद कर रहे हैं, मदीना के दिनों को याद कर रहे हैं, सही। और फिक्र ये होता है उस याद पर गौर करना। वो जो गौर करना होता है वो आपके अमल का मकसद होता है। अब अगर आप दिल से जिक्र करते हैं तो वो फिक्र के साथ करते हैं और पूरा आमाल उस पर बेस करता है। आपने जिक्र किया, आपने अल्लाह अल्लाह किया, अब आपने जिक्र यानी याद किया, जबान से अल्लाह अल्लाह किया, अब याद रखा, तो वो दिल में आपके हर वक्त ये होगा मेरा रब मुझे देख रहा है। अब आमाल उसके मुताबिक हो जाएंगे तो ये जिक्र और फिक्र हो जाएगा। ओके
और मोहब्बत और मार्फत हासिल करना, उसकी भी दुआ होती है अपनी दुनिया दुआ में। है कि इलाही मुझे अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। सही, देखिए ऐसा होता है कि एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है सिर्फ इस वजह से कि माँ ने उसे पैदा किया होता है। बच्चे को इस बात का पता ही नहीं होता कि ये मोहब्बत जो है बेलॉस इतनी क्यों है। वो तंग भी करता है तो फिर भी वो प्यार करती है, फिर भी खाना पीना देना बंद नहीं करती, खिदमत करना बंद नहीं करती, दुआ करना बंद नहीं करती। सिर्फ 9 महीने पेट में रख उसकी मोहब्बत इतनी बेलौस है, इतनी बेगर्ज है कि वो अपने आप से बढ़कर अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। खालिक ने अपनी मोहब्बत को 70 माओं से बढ़कर कहा कि वो अपनी मखलूक के हर बंदे को इतनी मोहब्बत करता है जो 70 माएं मिलकर करती हैं। अब आप ये सोचिए कि वो हर बंदा है जो 70 माओं जैसी मोहब्बत अल्लाह से ले रहा है, हर बंदा उसको मानता है या नहीं मानता, वो उसकी मानता है या नहीं मानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 70 माओं जैसी मोहब्बत तो वो हर बंदे को दे रहा है, और उसके पीछे वजह ये है कि जिस्म की पैदाइश विलादत माँ बाप के जरिए हुई, रूह उसकी है जो 70 गुना ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। मानते हो नहीं मानते हो, नाफरमान हो, काफिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, फिर भी ना सांसें लेना बंद करता है आपकी, ना रिस्क बंद करता है, ना औलाद देना बंद करता है। अगर वो हमें हमारे आमाल के मुताबिक सजा देना शुरू कर दे तो हम तो अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं। तो उसकी मोहब्बत है ना। अब इस मोहब्बत की पहचान जो है, ये मोहब्बत करने वाले की पहचान, अगर हम उसको मानते हैं, ईमान वाले हैं, तो ये मोहब्बत 70 से बढ़कर कितने हजार गुना तक जा पहुंचेगी। ताल्लुकदारी जब हो जाएगी, जब आप भी मोहब्बत करेंगे, जब आप भी उसको पहचानेंगे, जब आप भी उसको मानेंगे, जब आप उसको खुश करने में लगेंगे, तो आप उसका मकाम पाएंगे। पहले आप उसका मकाम पहचानेंगे, उसके मकाम को जानना, मानना, पहचानना मारिफत होता। और उससे मोहब्बत करना जैसे कि मोहब्बत का हक है, अब्दियत होती है। उसकी मोहब्बत और मारिफत दोनों को मिलाएं तो बंदा बनता है अब्द, जिसके उसने सबसे प्यारा लफ्ज अपने हबीब के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद फरमाया, वो बंदा जो उसकी रजा और खुशनुदी के आगे सर झुकने दे। मोहब्बत तो यही है ना, मोहब्बत तो इताअत का नाम है, मोहब्बत तो सर झुकाने का नाम है, मोहब्बत तो चाहे जाने का नाम, मोहब्बत तो बेलौस होने का नाम, और मारिफत उस हस्ती की पहचान का नाम है जिसने आपको ये सब अता किया। ये दूसरी दुआ है जो आपने याद रखी है। What a beautiful reflection, mashallah, mashallah. You are also the author of an Urdu book, Adab-e-Dua, which is collection of various Adab-e-Dua, which is a collection of various prayers and supplications for salvations of the faithful. उसके बारे में भी हमें आपसे आखिर में जो है जो supplications हैं उनके बारे में बात करेंगे. लेकिन आप एक दुआ जो है हमेशा करती हैं प्रोफेसर मैमुना, शहादत की. जी शहादत के लिए आप हमेशा दुआ करती हैं, जो मुझे बहुत टच करती है. नौशीन, असल में तो पहले तो ये हुआ था कि मुझे जब शहादत की वैल्यू नहीं पता थी, जब हम पहला हज कर रहे थे ना 1978 में, तो अबू जान ने हमें सिखाई सब बहन भाइयों को कि बैतुल्ला शरीफ पर जब पहली निगाह पड़े तो दुआ मांगना। तो उन्होंने मैंने पूछा कि क्या दुआ मांगनी है, तो उन्होंने कहा कि ये दुआ मांगना कि अल्लाह हम सबको मुस्तजाबु दावात बना। उस वक्त इतने छोटे थे, मुस्तजाबु दावात का मतलब नहीं आता था। पूछा कि वो क्या होता है, तो कहने लगे कि इसका मतलब होता है कि जिसकी हर दुआ कबूल हो।
तो मैं जरा उनसे लाडली भी थी, करीब भी थी, बेतकल्लुफ भी थी, बाकी सब जरा डरते थे। तो मैंने कहा आपने क्या मांगा? कहने लगे कि बस तुमने ये मांगनी। मैंने कहा वो ठीक है, आपने क्या मांगा वो तो बताएं। मैंने अच्छा तो शहादत मांगी। मैंने कहा मैं भी शहादत मांगू। कहने लगे तुम ये दुआ मांगोगी कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबु दावात बनाए, तो जब तुम फिर कभी जो भी दुआ मांगोगी तो कबूल हो जाएगी, उसमें शहादत भी मांग लेना, लेकिन तुम ये दुआ मांगो, ये बहुत बड़ी दुआ है। मैंने फिर ये दोनों दुआएं मांगी, लेकिन मुस्तजाबु दावात तो मुझे समझ आई, उस वक्त मुझे शहादत समझ नहीं आई। अबू जान की शहादत से कुछ अरसा पहले एक जगह मैं दर्स दे रही थी, तो मैंने शहादत पे थोड़ी सी रिसर्च की। उसमें जो चीज मुझे क्लिक की वो ये थी कि शहीद से हिसाब नहीं होता, और मुझे ना कब्र से डर लगता है, मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, मुझे मिट्टी से एलर्जी है। तो जब मैंने कभी भी सोचा कि मरने के बाद कब्र में दफनाए जाएंगे तो कीड़े बॉडी को खाएंगे, अंधेरा होगा, तो मैं खौफजदा हुई। और ये मेरी लाइक मैं टीनेजर होंगी, ये तब की बात है। तो मैंने ये दुआ मांगना शुरू की कि इलाही मुझे शहादत की मौत देना ताकि मैं इन सारी चीजों से बच जाऊं। सुभान अल्लाह। तो मुझे वो कब्र के हिसाब से, अंधेरे से, कीड़े मकोड़ों से, उन सारी चीजों से एक खौफ जो था वो इस दुआ से बदलता गया, मिटता गया, खत्म होता गया। अब मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत देगा, तो जाहिर है ये सारी चीजों से जान छूट जाएगी और फिर मरते ही मुझे जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें भी बाकी सब लोगों को इंतजार होगा, कयामत का, आखिरत का, हिसाब किताब का, मुझे ये बेफिक्री हो जाएगी। तो मैंने इसलिए हमेशा अपने दोस्तों से भी कहा कि वो ये दुआ मांगे, मेरे वालिद ये दुआ मांगते थे। और आपको मजे की बात बताती हूँ कि हम्माद मेरा छोटा भाई मेरी औलाद की तरह था, बेटे से 5 साढ़े 5 साल बड़ा था। वो फौत हो गया है, 2 महीने हुए। मैं बड़ी बहुत दुखी थी और आंसू नहीं थम रहे थे। तो मैंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा और उसमें मुझे यही बशारत दी गई कि उसे शहादत मिली है, और तुम्हारे अब्बू मुस्तकिल यही दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली है कि अल्लाह ताला उनके सारे बच्चों को शहादत दे। तो मुझे बहुत इत्मीनान हुआ। तब से मुझे इतना इत्मीनान है कि जैसे अगर आज मुझे मौत आ जाए तो मुझे खुशी होगी। आपका फेथ, आप कितना स्ट्रांग आपका बिलीफ है, और यही जो है दुआ कबूल होने की जो है एक निशानदेही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी दुआ जो जो मुझे बहुत टच करती है, आप हमेशा हम सबको अपनी पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, उम्मा के लिए दुआ करती हैं कि इत्तेहाद अता फरमाएं, फिरका बंदी से निजात अता फरमाएं। ये भी ऑलवेज आपकी दुआ होती है, और उसके लिए जो है ये एक तो आप रीजन बताएंगी, उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करनी चाहिए? दुआ की तो रीजन यही है, जो हमारे हालात हैं उससे दिल दुखता है, मुसलमानों का जवाल देखकर, हालात देखकर। छोटे होते थे तो वो एक कहानी पढ़ते थे लकड़ी के गट्ठे की, कि एक लकड़ी अलग अलग है तो लोग उसे काट लेते हैं, इकट्ठा जमा करके गट्ठा रखा है तो कोई नहीं काट सकता। तो जब तक आप इकट्ठे थे मुसलमान, 800 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, दुनिया का कोई भी मुसलमान होता था वो एक कुरान पे इकट्ठा होता था। अब जो हवा उखड़ी है तो ये हाल है कि सबसे सस्ता खून मुसलमान का है, सस्ती इज्जत मुसलमान की है, सस्ती जमीन मुसलमान की है। अब मुसलमान को एक ही चीज वापस लाएगी और वो इत्तेहाद है।
देखिए कुरान भी यही कहता है, याद करो वो जमाना जब तुम आग के गड्ढे के किनारे बैठे थे और रब ने तुम्हें इकट्ठा किया और फिर तुम भाई भाई हो गए। तो रब ने भाई भाई बनाया था और रब के हबीब ने बताया कि मुसलमान बाप मोहब्बत में एक जिस्म की तरह है, जिस्म के एक हिस्से को दर्द होता है, जिस्म पूरा बुखार में फूंकता है। ये नहीं है कि जी आप गले में इन्फेक्शन है तो गले को बुखार हो, पूरा जिस्म बुखार में जलता है। अब हमें कहाँ ऐसा है, हमारे साथ वाले घर में कुछ हो रहा होता हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे गली मोहल्ले में लोग भूखों मर रहे होते हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि बेइसी का ये आलम है कि कत्ल व गारत गरी हो रही होती है और हम अपने दरवाजे बंद करके मजे से बैठे होते हैं, आंखों के सामने जुर्म हो रहे होते हैं, हाथ पकड़ना तो दरकिनार गवाही से डर लगता है, दुश्मनी कौन भुगते। तो उसके लिए इत्तेहादे उम्मत की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में यही फरमाया है कि तुम उम्मते वसत हो, तुम बेहतरीन लोग हो जो जमीन पर भेजे गए हो ताकि लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। और देखें अल्लाह ने भी यही कहा है कि देखो फिरका फिरका मत होना, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकू, अल्लाह ताला ने भी अल्फाज यही इस्तेमाल किए, तुम्हारी हवाओं खड़ जाएगी। अब घर में भी देखें, आप इकट्ठे नहीं होते, किसी थर्ड पर्सन को पता चलता है वो आपको मजीद आपके घर को आपको जुदाई में डाल देता है। इसी तरह से इस वक्त गैर कौमों ने हमें बिल्कुल ऐसे कर दिया है, रेजा रेजा, और सच पूछें तो वापस आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। और अगर आज भी ये 56 मुल्क हैं, एक ना दो, आज भी ये इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी, कोई मुसलमानों के साथ मैली आंख नहीं रख सकता। लेकिन कहाँ इकट्ठे होंगे, कब इकट्ठे होंगे, तो दुआ ही मांग लेते हैं। बाकी अपनी सी कोशिश का जहां तक ताल्लुक है, ये दूरी हुई ही इसी वजह से है कि अपना तशख्खुस भूल गए हैं। अब खानदानी वो होता है जो पैसे वाला होता है, तालीम बगैर तरबियत के है, डिग्री तालीम बन गई है, उससे अच्छी नौकरी तो मिल जाती है, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो ये हमारी तरबियत, इस्लामी तशख्खुस, वापस आना, कुरान की तरफ लौटना, मुसलमान का मुसलमान को अहमियत देना। अब छोटी छोटी बातों में पड़े हुए, मसलकी झगड़ों में पड़े हुए, एक दूसरे पे कत्ल के कुफर के फतवे दे रहे, लोगों ने देख लिया, हवा उखड़ गई, लोगों ने कहा इसका पकड़ लो, मजाक उड़ा लो, मुल्कों को आपस में लड़ा दिया, कौमा को एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, और किसके कहने पे काट रहे हैं, काफिरों के कहने। अमरीका में भी जब मैं होती थी तो मेरा दिल बहुत जलता था, वही इस्लामिक सेंटर भी मस्जिद लड़ाई हो रही है, कोर्ट में जा रहे हैं, फैसला कौन कर रहा है, दो मुसलमानों की लड़ाई का एक मस्जिद की लड़ाई। तो ये फिरके फिरके बन गए, ये सब सियासतें हैं, ये सब पेट के धंधे हैं। इनको ईमान वाला अगर कोई होगा, अल्लाह की खातिर अगर कोई होगा, तो कभी भी ये नहीं करेगा। अल्लाह ने तो भाई भाई बनाया था, उससे बड़ी क्या होगी इस्लामिक हिस्ट्री, मदीना मुनव्वरा की हिजरत, उसके बाद वहां अंसार का भाई भाई बना, अल्लाह का हुक्म आता है और सारे अपनी हर चीज आधी आधी कर दे। मुहाजरीन को खेती बाड़ी नहीं आती, वो बिजनेस वाले लोग हैं, मदीना वाले खेती बाड़ी वाले हैं, वो खेती बाड़ी करके तो उसका अनाज आधा आधा करके बांट लेते हैं, घर में एक कमरा है बीच में पर्दा लगा के आधा आधा कर देते हैं, बर्तन आधे आधे कर देते हैं। बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिन सहाबी के भाई बनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उधर गए तो उनकी दो बीवियां थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ कोई भी नहीं थी, तो कहने लगे कि हर चीज आधी आधी करने का हुक्म दिया तो क्या मैं इनको तलाक दे दूं, वो इज्जत पूरी करें तो आप निकाह करें, वो कहते मैं हदीस के ऐसे हदीस के। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कुर्बानी और ईसार अंदर से निकल गए, खुदगर्जी अफरा तफरी पड़ गई, बल्कि बिकने लगे गैरों के हाथों, थोड़े थोड़े पैसों के इवज, थोड़े थोड़े कुर्बानी
पोजीशंस के इवन अपनों के मीर जाफर मीर सादिक बन गए, तो किसने लूट लिया डुबोई? इस्लाम को तो किसी ने गजब नहीं पहुंचाया मुसलमानों के सिवा, साजिशों में ये शरीक होते हैं, फिरका बंदी में ये आगे होते हैं। मैं बल्कि एक क्लिप सुन रही थी यूके का, फलाना वहां से होकर आए, 2.5-3 महीने उन्होंने तबलीगी दौरा फरमाया और वो जिस एरिया में गए तो उसकी बात करने लगे कि साहब मैं वहां गया तो वहां पे सारे इकट्ठे थे जी, वहाबी बरेलवी शिया सुन्नी फला फला सारे इकट्ठे, अरबी अजमी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो फिर आपने क्या किया? उनका मैंने 2 महीने लग गए अलग अलग कर दिया। So sad. मैंने 2 महीने लगाए उनको फिरका फिरका बना दिया, उनको अलग अलग कर दिया। अब मुसलमान उलमाए सू जो है वो सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचा, और जो अवाम है वो इसलिए मुजरिम है कि वो ऐसे उलमा पे तकिया करके बैठी और खुद कुरान की तरफ नहीं जाती, सीरत की तरफ नहीं जाती। लैक ऑफ एजुकेशन है, उसको समझा ही नहीं, इस्लामिक स्टडीज है, कुरान को समझा नहीं है, और इस तरह की जो है वो फिरका वारियत जो बढ़ती गई। सुभान अल्लाह, बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक और दुआ जो है पाप हमेशा करती हैं, हम सब पर रहम फरमा, छोटे बड़े गुनाहों को धो डालें। ये भी आपकी एक डीप जो है इंटेंस दुआ होती है, धो डालें उनके वसीले से, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। 1500 साल पहले से जो उन्होंने तबलीग की उसके हवाले से आप जो दुआ फरमाती हैं वो भी एक डीप मीनिंग रखता है, रेफरेंस, बिग स्ट्रॉन्ग रेफरेंस देती हैं आप दुआ में। असल में जी तो ये चाहता है ना, अपनी मोहब्बत का इजहार तो करना है ना अपने उम्मती बहन भाइयों से। 1500 साल से जितने भी अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, उसके पीछे भी थोड़ी सी अपनी लालच भी है नौशीन। मैंने ये हदीस मुबारका पढ़ी कि आप जब दुआ मांगते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जो रद्द होती ही नहीं है, कबूल होकर रहती हैं, मजलूम की, मुसाफिर की और मुजाहिद की और गायब की, गायब के लिए। फिर आपने फरमाया जो सबसे पहले कबूल होती है वो उसकी होती है जो अपने उस भाई के लिए दुआ करता है पहले जो मौजूद नहीं है। यानी अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए दुआ करते हैं जो सामने नहीं है और आप उसके साथ और जितनी दुआएं करते हैं तो वो फौरन कबूल हो जाते हैं। तो आपने फरमाया कि दुआ की कबूलियत में तेजी होती है। और फिर एक और हदीस है कि आपने फरमाया कि आप जितनी दुआ दूसरों के लिए करते हैं अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं कि इलाही वो पहले से अता फरमा। अब 1500 साल में जितने मुसलमानों की वफात हुई होगी आप उन सबकी मगफिरत मांगेंगे, तो उतनी बार फरिश्ते आपकी मगफिरत की दुआ करें, क्या घाटे का स्वाद है? बिग कैलकुलेशन, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, आप मुझे आइडिया हो गया कि आप हमेशा जो जिक्र करती हैं 1500 साल का, सुभान अल्लाह, बिग नंबर जो है उसमें शामिल हो गया, सुभान अल्लाह। दूसरी दुआ जो होती है वो है हबीब की उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से बचा, आज के दौर से अब बाहर निकाल दें, जहां जहां मुसलमान बेइज्जत हैं, हमारी अपनी सियाकारी है, लेकिन अपनी शान शाने रहीम और कुदरत से हमें माफ फरमा दें। बात यह है कि वही बात के अल्लाह ताला हम पर अगर वो मामला फरमाए जिसके हम लायक हैं तो फिर तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे, और अगर वो मामला फरमाए जो उसकी शान के लायक है, उसने रहमत की निगाह डाल दी तो सब फला पा जाएंगे। तो ये जो जिल्लत पर निगाह डलवाना है उसकी रहमत की, तो वो तो खुद ब खुद इज्जत में बदल जाएगी। पूरे मुसलमानों के लिए ये दुख तो होता है ना। एक वो जमाना था कि हमारे बड़ों के अखलाक देखकर लोग इस्लाम को कबूल करते थे, एक वो जमाना है कि हमें देखकर लोग इस्लाम को बुरा कहते, दुख तो है ना। बिल्कुल,
प्रोफेसर ममूना, आप यहाँ पर भी आती हैं, अमेरिका में भी आपको है अपने तदरीस से ताल्लुक, आपका मदीना में भी है, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में भी आपने पढ़ाया है, लेकिन बिग आपके डिफरेंट चैनल्स पे आप आई और इतने पॉपुलर आपके प्रोग्राम्स हुए, स्पेशली क्यू टीवी पे, लेकिन यहाँ पे जब आप आती हैं, वहाँ पर पढ़ाती हैं, उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि जो है वो आपका एक्सपीरियंस यहाँ का, स्पेशली अमेरिका का, वो कैसा रहा, क्या कमी लगती है आपको यहाँ पर? शुरू में देखिए, अमेरिका मुझे यूके और बाकी दुनिया की निस्बत ज्यादा मुझे ब्राइट और अच्छा लगता है। बॉस्टन में भी इस्लामिक सेंटर्स में मैं पढ़ाती थी, न्यू जर्सी में भी मैंने पढ़ाया, न्यू जर्सी में तो मैंने वो फिर रेगुलर स्कूल में भी पढ़ाया, हाई स्कूल में। और वहाँ के बच्चे गीली मट्टी की तरह है, नस्बतन बेहतर है, और उनकी उन्हें तरबियत दी जाए, वक्त दिया जाए, मोहब्बत से इस्लाम उनके अंदर डाला जाए तो वो कंसीव कर लेते हैं, वो अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगे। अच्छा अब एक्सपीरियंस। मैं पहले तो मैंने पढ़ाया एज अ टीचर जब मैं खुद भी बहुत यंग थी, और बच्चों से मेरी फ्रेंडशिप बहुत हो जाती थी, बच्चे भी मतलब वो भी यंगस्टर्स थे, टीनेजर्स होते थे, लड़के भी लड़कियां भी, मैं बड़ी फेवरेट टीचर होती थी वैसे आपस की। तो मैं भी थोड़ा सा ना पढ़ाने में, मेरे वालिद ने, हालांकि मैं डिसिप्लिन में सख्त भी हूँ और मिजाज मेरा उससे वाला भी है, लेकिन एक चीज मैंने अपने वालिद से सीखी और उन्होंने मुझे क्रिश्चियन मिशनरीज की मिसाल देते हुए एक बात अपने अक्सर दरसों में भी कही, मुझे भी कही, और वो ये थी, चूंकि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उस्ताद बनूं और उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरा जो बच्चा सबसे ज्यादा जहीन होगा वो आलिम होगा, तो वो कहते थे कि जब ये क्रिश्चियंस मिशनरीज लाते हैं लोगों को अपने पास तो तोहफे देते हैं, लालचें देते हैं, जब हमारे लोग कुरान पढ़ाते हैं तो जंजीरों से बांध के मारते हैं, गालियां बकते हैं, बद किरदारियां करते हैं, नतीजे में अखलाक और भूख ये जो मिटाता है और अच्छा अखलाक जो देता है, जो आपका पेट पालता है, इंसान की फितरत है कि कशिश उसी तरफ जाती है, जो बदतमीजी करता है, जो जुल्म तशद्दुद करता है, इंसान की फितरत है वो उससे नफरत करता है, दूर हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी हमारे दीन सिखाने वाले उस्ताद अपनी सख्ती से, अपने सख्त रवैये से, अपनी बद अखलाकी से बच्चों को कुरान से बेजार कर देते, दूर कर देते, इल्ला माशाल्लाह, ये नहीं कि सब ऐसे भी हैं वैसे भी हैं। तो आगे पीछे मैं जितनी मर्जी सख्त हूँ, डिसिप्लिन में सख्त हूँ, गुस्से वाली हूँ, जो मर्जी हूँ, लेकिन कुरान और हदीस और तदरीस और सीरत के वक्त अब बहुत फ्रेंडली और मीठी और अच्छी उस्ताद बन जाती हूँ। जब भी हम भी आपकी क्लास एंजॉय करते हैं, और अभी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है प्रोफेसर ममूना, एक और मैं आपको ऐड कर देती हूँ, मॉडेस्टी। आप एक प्रोग्राम देख रही थी, सहर आजम, जो हमारी बड़ी प्यारी सी नातवा है, उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपके अबाए बहुत खूबसूरत होते हैं। तो एक आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं, एक मॉडेस्टी के उसमें लेवल में ही रह के एक अच्छे तरीके से आप के अच्छे भी नजर आ रहे हो, और क्योंकि जाहिर है इतना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने कहा कि इसमें जो है इखलाक जो है वो आप कितना बेहतरीन जो है वो टीच करते हुए, लोगों के सामने आते हुए, कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला मैसेज भी। नौशीन, एक बात याद रखिएगा, इंसान इम्प्रेस होता है हुस्न से, अल्लाह ताला खुद हसीन है, सुभान अल्लाह ताला खुद जमाल को पसंद फरमाता है, अल्लाह। एस्थेटिक सेंस इंसान की फितरत है। हिंदुस्तान के साथ बहुत जमाने तक रहने से हमारे लोगों के दिमाग में ये कीड़ा बैठ गया कि दीनदार लोग मोटा झूठा खाएंगे, मोटा झूठा पहनेंगे, और नतीजे में मस्जिदें, उनके इमाम, मौलवी, ये बेचारे मंगतों जैसे हो गए। सही
इनकी तनख्वाहें इतनी थोड़ी कि वो मांग के रोटी बच्चे लाएंगे मदरसे के और खाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि आलिम दीन या स्कॉलर खूबसूरत भी हो, अच्छी पर्सनालिटी वाला भी हो, अच्छे लिबास वाला भी हो, अच्छी खुशबू भी लगाता हो और अच्छी बात भी करता हो, अच्छी गुफ्तगू भी करता हो। क्यों नहीं अल्लाह की नेमतें जब आपके पास हैं, क्यों नहीं आपके ऊपर उसका इजहार हो। मैं बहुत दुखी हुई थी एक मरतबे, बहुत पुरानी बात है, मैं इंडिया गई थी और मैंने काफी कीमती कपड़े पहने हुए थे, तो दर्स हुआ या दीन की कुछ बातें हुई तो वहां पर ये एक कमेंट आया कि दीनदार होके तो रेशमी कपड़े पहने हुए। क्यों टीवी की आपने बात की, मेरा टीवी का करियर यहीं से शुरू हुआ, आज भी मुझे क्यों टीवी से पहचाना जाता है, जो बहुत मोहब्बत है उस चैनल से, उस चैनल के ओनर्स से, वो आज भी मेरे भाई हैं, हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली ही बार डायरेक्टर ने ये बात कही थी कि आपा, वो कंट्रोल रूम में सारे हैरान हो रहे हैं कि आपा तो हंसती हैं। मैं बड़ी हैरान हुई, आपा तो हंसती है कि मतलब क्या है। तो पता चला कि मुझसे पहले जो बकौल उनके मौलवियानियां थी या मेरी हम असर जो मौलवियानियां थी, मुझे तो खैर ये अपने लिए लफ्ज ही मौलवी पसंद नहीं आया, लेकिन जो बीवियां थी उनमें से कभी किसी ने हंस के नहीं लिया था। तो उनको हैरत हुई कि दीन की बात करने वाला स्माइल भी ले सकता है, जबकि आप देखेंगे स्माइल देना भी सुन्नत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहते थे, और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, ये तो सीरत है, ये तो सुन्नत है, ये तो हमें अपनाना है। अब आप चेहरे से इतनी पुरस्त हो और आपने तेवरियां चढ़ाई भी हो और आपने गुस्से वाली शक्ल बनाई भी हो, कौन मसला पूछेगा। आप तो इतने वेलकमिंग हो, इतने स्माइलिंग हो कि लोग अपना खोल के आपके सामने रख दें और आप उनका मसाइल हल करें। और क्यों टीवी में मेरे साथ वाकई ऐसा रहा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते थे, सोशल इश्यूज डिस्कस करते थे, तो मेरी तो रात की नींदें उड़ गई थी, लोग रात को भी नहीं सोने देते थे, वो फोन नंबर मांगते थे और फिर सारी सारी रात लोगों के झगड़े ही सुलझाते गुजर जाते थे। तो ऐसा है कि माशाल्लाह अल्लाह ने अगर आपको अता किया है, अब अबायों का जहां तक ताल्लुक है, बल्कि मुझे तो वो एक ट्रेंड बन गया, बल्कि क्यू टीवी में तो अब हर कोई जो अबाया पहनता है वो मुझे भी शक होने लगता है, अच्छा ये मैं तो नहीं बैठी हुई। अब बहुत साल हो गए उसमें, मैं खुद ही अब थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू हुई हूँ माशाल्लाह। बहुत बच्चियों ने शुरू किया, बहुत लोगों ने शुरू किया और बहुत सों को मैं भी गिफ्ट करती हूँ जब भी जाती हूँ रमजान में, नाथवन बच्चियों के लिए, सबके लिए मैं अबाय वगैरह ही लेकर जाती हूँ। तो सही ऐसा नहीं कि क्यों ना आप अच्छे लगें, इस्लाम खूबसूरत नहीं होना चाहिए। और अब तो आपकी बात इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह से सुन रहे हैं कि हम लोग इतने कंपटीशन में हैं, जैसे आप यहाँ पे रहती हैं, कि हमें जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो एक अच्छे तरीके से, जैसे कि बिग एग्जांपल है कि मस्वाक का हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, और उसकी रीजन क्या है कि मुंह से स्मेल ना आए, आपके पास से स्मेल ना आए, जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं आपके साथ जो है उसको कोई तकलीफ ना हो हमसे। आपको मैं मजे की बात बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग हजारों रियाल खर्च करते हैं और ऊद और लोबान और बहुत सारी वो लेके बैतुल्ला शरीफ के इर्द गिर्द और मस्जिद में करते हैं खुशबू के लिए, अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने के लिए। और सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत क्या है, अम्मा भी नियमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का तذکرہ किया करो, उसके बारे में बातचीत करो, गुफ्तगू करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने के लिए सहाबी सफर करके आए, तो
एक के बाल बहुत ज्यादा उसमें मट्टी थी, एक के कपड़े बहुत खराब थे। तो आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा कि कोई साबुन कुछ धोने का इनको ला दो, ये अपने कपड़े वपड़े धो लें, अपना सर धो लें, कल जब ये हरम में आए तो ये धुले धुलाए हो, साफ सुथरे हो। अच्छा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बहुत बड़े ताजिर हैं, इनके पास बड़ा पैसा है, मैं इन्हें साबुन क्या दूँ, ये तो बहुत अमीर है। तो आपको नागवार गुजरा, आपने फरमाया अल्लाह की नेमतों का कोई इजहार इनके ऊपर नजर तो नहीं आ रहा। तो अगर अल्लाह ने आपको अता फरमाया है तो आपको अल्लाह ने अच्छी सवारी नेमत कहा है, आपको अल्लाह ने अच्छा घर नेमत कहा है, आप क्यों ना रहें। दीन की बात करने वाले को तो सबसे ज्यादा हक है, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा है कि अल्लाह ने उसे अपने कलाम के लिए, अपने अहकामात के लिए चुना है, तो उसको तो सबसे ज्यादा हक है बनने संवरने का, अच्छा लगने का। सुभान अल्लाह, ये भी आपने मैसेज जो है क्लियर कर दिया हम सबके लिए, माशाल्लाह, दैट्स अ गुड रिमाइंडर। और इसके अलावा जो दूसरी दुआ है वो ये कि हमें साहिबुल कुरान बना दें, कुरान की तरफ मोड़ दें, बाकायदगी से इसका इल्म और अमल अता फरमाएं, कुरान दोस्त बना दें, दोस्त बना दें। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने किसी किसी को सफारिश की का हक नहीं दिया है सिवाय रोजे के, कि वो कयामत के दिन अपने रखने वालों की सिफारिश करे, और कुरान के वो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करे। और एक और हदीस है कि कुरान तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारी हिमायत दोनों में हुज्जत है, यानी अगर वो तुम्हारी हिमायत के लिए आ गया, तुम्हारा दोस्त बन गया, तो तुम्हारा बेड़ा पार, तुम्हारे खिलाफ हो गया तो जहन्नम पक्की। तो कुरान दोस्त वो होगा जिसने कुरान को वक्त दिया होगा, तो कुरान पहले से उसका दोस्त और सिफारिशी वहां होगा। इसलिए कुरान क्या है, क्या रब का कलाम है, और रब अपने कलाम में छुपा हुआ है, जैसे फूल की पत्ती में खुशबू छुपी होती है। जब आप कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको वक्त देंगे, उसको उसका हक देंगे, तो आपका दोस्त होगा, है ना। कुरान के हकूक में पहला हक यही है, उसकी तिलावत की जाए, दूसरा हक यह है उसको समझा जाए, तीसरा हक ये उस पर अमल किया जाए, चौथा हक ये उसको फैलाया जाए। तो अगर आप कुरान के हुकूक अदा कर रहे हैं तो कुरान भी फिर आपका हक मानेगा, और फिर आपका हक ये है कि वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, वो अल्लाह से कहेगा कि ये मेरी तिलावत करता था, ये तुझे याद करता, वक्त सुभान दे। अल्लाह, और हम सबको आपने कुरान से जोड़ा, मैं अल्लाह ताला ब्लेस यू प्रोफेसर मेमुना, आप जितने भी जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सब आपके लिए दुआ करते हैं। आपने अभी बताया कि आपके अब्बू जान कहते थे कि अपने दुश्मन से पना मांगो, आप दुआ में कहती हैं कि जिनकी आप हिफाजत फरमाते हैं बुरी नजर से, शैतान से, बुरे लोगों से, बुरे वक्त से, बुरे वक्त से भी जो है दुआ मांगी जाती है कि इससे अल्लाह ताला हमें जो है महफूज रखें। जी हाँ, ये हदीस के अल्फाज भी हैं। कुछ दुआएं ऐसी होती है, मैं अरबी में करती हूँ ना, तो मुझे तो मजा आता है, लेकिन लोग आमीन भी नहीं कहते अपने ना, तो मुझे फिर समझ में आता है कि भाई उनको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसका ट्रांसलेट करके उर्दू में भी फिर कह दिया जाता है। उसमें ये होती है कि अल्लाह ताला आपको बुरी नजर से, बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से और बुरे लोगों से अपनी पनाह अता करे। बुरे लोग, बुरी सोहबत होती है, अपने घर में भी बुरे लोग निकल आते हैं, तो अल्लाह ताला आपको शर से बचाए, हर किस्म के शर से, उनकी दुश्मनी से भी, उनकी सोहबत में, उनकी दोस्ती में आके अल्लाह की नाफरमानी से भी। यानी बुरे लोगों का शर हर किस्म का होता है, वो दुश्मनी भी उसमें आ जाती है। बुरी नजर जो है वो इतना बड़ा सच्ची बात है अलार्म है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तबई मौत के बाद सबसे ज्यादा बुरी नजर से मरेगी, और सही फरमाया कि बुरी नजर ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। और तीसरी चीज जो है वो बुरी घड़ी है। इंसान कोई भी बुरा वक्त आ सकता है, इंसान के नसीब बदल जाते हैं, सेहत से बीमारी आ जाती है, जिंदा से मुर्दा हो जाता है, अमीर से फकीर हो जाता है, इज्जतदार से मुअज्ज़ज़ से जलील हो जाता है। तो ये बुरी घड़ी है। तो अल्लाह ताला से इन सारी चीजों से पनाह मांगनी चाहिए, और ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी मांगा। माशाल्लाह। मौत के बारे में कि हमारा आपके पास आना मुबारक कर दें, अपना दीदार अता फरमा दें, उनका पैगाम पहुंचाने वाला बना दें, जिनसे आपकी मखलूक को फायदा देने वाला बना दें, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बनाएं, और तीसरी दिल से नफाक, गुस्सा, नफरत सब निकाल दें, सब्र शुक्र तहम्मुल जिक्र करने वाला बना दें। इस ये जो है होता है ना, इन नटशेल बहुत सारी चीजें जो हैं आप जो हैं आपने उसमें कवर की हैं इस दुआ में। असल में हमारे दिल में ये सारी चीजें ही होती है ना, जो हमें नफाक हो तो इंसान फिर वो जो नहीं होता वो बनने कोशिश करता है, तकब्बुर होता है तो ज्यादातर लड़ाई झगड़ों के बायस यही चीजें होती हैं, हसद, गुस्सा, बुग्ज, कीना, एक्चुअली सारे शैतानी अमल होते हैं। इंसान फितरतन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान गिरते चढ़ जाता है। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कुरान ये कहता है कि उसके बुरे आमाल उसको शैतान हसीन करके दिखाता है, यानी वो तकबर कर रहा है तो वो ये नहीं समझ रहा मैं तकबर कर रहा हूँ, वो जुल्म कर रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा मैं जुल्म कर रहा हूँ, वो हसद कर रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा मैं हसद कर रहा हूँ। कुरान कहता है कि ये फसाद करते हैं और इनसे कहा जाए क्यों फसाद मचाते हो, तो वो कहते हैं इनमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इसलाह करने वाले, हम तो मुस्लिहीन है, हम कहाँ फसादी हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधता है शैतान, ये इतनी बड़ी साजिश है कि आपको पता ही नहीं चलता आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह को गुनाह समझ के कर ही नहीं रहे होते, और ये बहुत खतरनाक बात होती है। तो अगर दिल से ये सारी चीजें निकल जाएं और अब धो डाले तो बेशक फिर तो नहीं होगा ना ये धोखा, फिर तो पहचान हो जाएगी। बेशक। सफिया खान पूछती है कि नजरे बद की कोई दुआ बता दें। मुअव्विज़तैन आखिरी दो सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों के लिए फरमाया। आपने फरमाया कि देखो तीन चीजें ऐसी हैं जो किफायत कर जाएंगी यानी काफी हो जाएंगी, सूरह इख़लास 3 बार, सूरह फलक 3 बार, सूरह नास 3 बार। अगर आप रोज सुबह शाम इसे आदत बना लें तो आपको नजर नहीं लगेगी। बेशक, जजाक अल्लाह खैर। कौन से मुकामात और जगहें होती हैं जिन पर दुआ जरूर कबूल होती है, और कौन सा वक्त और दिन, जैसे अब जो है दुलहज का महीना शुरू होने वाला है, 9 दुलहज और 10 दुलहज, हमने प्रोग्राम भी किया था कि उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। अरफात का दिन, लैलतुल कद्र की रात, फिर हर जुमा असर से मगरिब के बीच हदीस शरीफ में आता है घड़ी ऐसी होती है कि इंसान जो भी मांगे उसको मिल जाएगा। हर अजान के बाद अगर आप अजान के अल्फाज साथ साथ दोहराते रहें, उसके बाद आप दुआ करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा रब्ब हाजिहि दावत अद्दामा वस्सलातिल कायमा आति मुहम्मद الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد। अगर आप ये पढ़ के और साथ में कलिमत और रिजा रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि सय्यदिना मुहम्मद नबियों व रसूला, आप इसके बाद हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, आप जो मांगे वो आपका है। अच्छा अब ये तो आपको दिन में कितनी बार मिलेगा। इसी तरह इकामत जब हो रही होती है, सफें दुरुस्त हो रही होती है, उस वक्त जो दुआ मांगे आपका, तो बारिश के वक्त दुआ होती है बैतुल्ला शरीफ में, मक्का मुकरमा में, मस्जिद नबवी में, और सच पूछे ना तहज्जुद की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं। अगर आपको एक बार ये मजा मिल जाए ना कि आप तहज्जुद पढ़ें, भले थोड़ी सी ही पढ़ लें,
चार मत नहीं पढ़ने, 6 पढ़ लें, और आप बैठ के अल्लाह से बातें करना शुरू कर, मजा आ जाए। और फिर लज्जत एक बार मुंह को लग गई ना, फिर आपको छूटेगी भी नहीं। जबरदस्त कनेक्शन होता है अल्लाह ताला से वो और वक्त। वो लज्जत के वक्त दुआ, उसकी कबूलियत गारंटीड है, कोई देख भी नहीं रहा होता, आप भी सुकून से होते हैं, कामकाज भी कुछ नहीं होता, फिर आप नींद से जागे होते हैं, रब को इस बात पे बड़ा प्यार आता है कि मेरी खातिर बिस्तर से उठा है, सुभान अल्लाह। उस वक्त दुआ करें। और सुभान, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा भाई। आपके लिए तो बहुत सारी दुआएं, आप यकीन करें। और आपने एक और प्रोग्राम में जिक्र किया कि बेहतरीन जिक्र अल्लाह ताला के नजदीक कौन से हैं, उसमें आपने कलमा तैयबा का जिक्र किया है और दरूद शरीफ का किया, तो वो जल्दी से अगर छोटा सा आप इसमें हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और अफजलु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हो गया। दूसरे दरूद पाक के इस कदर फजाइल हैं, कोई दुआ जो है वो रद्द नहीं होती अगर आप आगे पीछे इसके दरूद पढ़ लें, या बीच में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की शान को जचता नहीं, आधी बात तो मान ले आधी ना माने। अब वो आधी बात मान ले का क्या मतलब है कि आपने दरूद पढ़ा, अब दरूद तो कबूल हो गया, तो उसके साथ उसके सदके में जो मांगा वो ना दे, ऐसा तो नहीं करेगा, वो तो करीम है। इसी तरह एक दरूद पढ़ना सिर्फ अपने नबी पर दरूद और सलाम नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत भी तो है, मलाइका की सुन्नत भी तो है। आपके 10 गुनाह धुल जाते हैं, 10 रुतबे बुलंद हो जाते हैं, आफियत के दरवाजे रब खोल देता है, आप पर फरिश्ते 10 बार दरूद भेजते हैं। तो मुझे तो एक सहाबी की वो बात बहुत प्यारी लगती है, जिन्होंने कहा कि मैं अपना चौथाई वक्त आपके दरूद को दूं कैसा रहेगा। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, कुछ दिन बाद आए कहने लगे और आधा वक्त दे दूं तो कैसा रहे। आपने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन और गुजरे, कहने लगे तिहाई वक्त दे दूं मैं दुरूद को, और बाकी जो 1/3 है उसमें मैं बाकी जिक्र कर लूं तो ठीक है। आपने फरमाया ठीक है। कुछ दिन के बाद आए कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं पूरा वक्त ही अगर दुरूद पढ़ लूं तो फिर कैसा रहेगा दुआ का, अगर मुझे वक्त ना मिले। आपने फरमाया तुम्हें दुआ की हाजत ही नहीं रहेगी, तुम्हें दुआ की हाजत ही नहीं रहेगी अगर तुम हर वक्त दुरूद पढ़ोगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आजमाया है, मैंने इसको आजमाया है। अभी कुछ अरसा पहले मुझे प्लैंटर फेशाइटिस था और मेरे पैर में शदीद दर्द था, उसका इंजेक्शन बड़ा तकलीफ दे होता है, और डॉक्टर ने मुझे बता भी दिया, मेंटली प्रिपेयर भी कर दिया, बल्कि उसने रोका भी, उसने कहा कि यहाँ के कुछ लोग अगर लगवाते हैं तो वो जनरल एनेस्थीसिया लेते हैं क्योंकि तो बहुत तकलीफ दे है। तो अहमद साहब कहने लगे क्या जनरल एनेस्थीसिया लेना, नहीं इनको एहसास था, नहीं मुझे एहसास था ये कितना तकलीफ दे होगा। तो मैंने कहा ऐसे लगवा लो, तो मैंने पूछा बिस्मिल्लाह करता, तो उसने वो चूंकि पाँव की खाल बहुत मोटी होती है और उसकी सिरिंज और सुई बहुत बड़ी थी, मैंने तो देखी भी नहीं थी, वो तो बाद में जहाँ पड़ी थी तो उसको देखकर भी डर गई मैं। उसने जो ही एनेस्थीसिया के लिए ही, यानी सुन करने के लिए ही पांव में सुई डाली ना, मेरी चीख निकली के वो फाड़ के चीखें बाहर चली गई। तो पता है मैंने क्या दुआ की, मैंने कहा इलाही दुरुज बात का वास्ता, मुझसे दर्द नहीं सहा जा रहा, अल्लाह अकबर। आप यकीन करें मुझे दर्द नहीं हुआ। वो जो एक चीख पहली मैंने अपनी सुनी थी वो इतनी तकलीफ दे थी, उसके बाद उसने मेरे पूरे पांव को, पहले उसने सुन किया, फिर उसने उसको इंजेक्ट किया, दवाई डाली, वो तो पूरा प्रोसीजर कोई तकरीबन 8 घंटे का था दोनों पैरों का, और मुझे नहीं पता चला, सुभान अल्लाह। और मेरा मियाँ समझ रहा मैं बेहोश हो गई। सुभान चीखें आनी चाहिए, तवातुर से कहाँ गई।
प्रोफेसर मैमुना, आप जो बताती हैं कि आप बचपन से शरारती थी, तो अभी भी शरारती हैं, इसका मतलब है बचपन गया ही कहाँ है। बहुत शरारती हूँ अभी तो, बल्कि मैं थोड़ा सा लोगों से डर के झिझक के कम हो गई हूँ। पहले तो बहुत शरारती थी, और हम लोग तो जब आपस में बैठते थे, जब अब्बू जान हयात थे, तब भी हम बहुत शरारतें करते थे। अम्मी हुजूर बहुत शरारती थे। अब्बू के जाने के बाद अम्मी तो बहुत संजीदा हो गई, और थोड़ा बहुत तो मैंने खुद को ब्रेकें लगाई हैं कि फिर वो सबको समझ में नहीं आती मतलब, तो फिर बाद में शर्मिंदगी होती है। अब सिर्फ उनके साथ करती हूँ जो करीबी हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा ब्यूटीफुल। आपने इतने रिफ्लेक्शंस आपके आपके अपना जिंदगी के हवाले से भी आपने उसमें जो एडअप किया, बहुत बड़ा शरारती हूँ, शरारती मैं अभी भी हूँ, ब्यूटीफुल। बाज नहीं आती, शरारते मैं अभी भी करती हूँ। मेरी तो जो बेटी है उसको मजाक समझ नहीं आता और मुझको बड़ी परेशानी होती है, और मैं और उसका मियाँ उसको मतलब तंग करना चाहते हैं उसे, थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा कि हम उसे तंग कर रहे। बिल्कुल, यहाँ भी ये वाला मसला जो है वो बड़ा गंभीर है कि हमारे बच्चे समझते नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, हमारे साथ जो है, एक दफा मैं उनको अपने जो हमारे साथ में व्यूअर्स हैं उनका नाम ले लेते हैं। सफिया खान है, आफताब मलिक है, माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, अप्रिशिएट किया है, जजाक अल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, माशाल्लाह, जजाक अल्लाह। क्रेडिट गोज टू अवर प्रोफेसर मेमुना मुर्तजा मलिक, क्योंकि मैंने नहीं, बिल्कुल गोस्ट टू मशीन डेफिनेटली। नहीं, ये चीटिंग है। दरअसल मैंने आपको आज इसलिए इनवाइट किया है कि आज जो है मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने 100 प्रोग्राम्स कंप्लीट करने में, तो आप अच्छा, बेहतर मुझे जो है तो आज अल्लाह बहुत आपको इस इन प्रोग्राम्स में आपके लिए सदका जारिया रखे, और आपके लिए पाक परवरदिगार कबूलियत रखे, और आपको मजीद तरक्की दे दुनिया में आखिरत में, रहमतें और बरकतें हों। और जो प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था, यही हमारा मकसद था कि अल्लाह ताला से करीब ऐसे लेकर आए जैसे आपने अभी कहा था कि भाई उनको जो है उससे प्यार हो, जैसे हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से जो है अपने इस्लाम को प्रेजेंट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ भी हम रह रहे हो, और यही हमारा मकसद था। और इसीलिए जो है प्रोफेसर मेमुना मुर्तजा मलिक को मैंने आज इन्वाइट किया था, और लेटर ऑन भी जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लेकर आते रहेंगे जैसे भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और आज जो है हम प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे बहुत ही खूबसूरत दुआ जो प्रोफेसर मेमुना करती हैं, और आप देखेंगे जो जो मैंने तफसील इनसे जो शुरू में हमने डिटेल्स लिए, रिफ्लेक्शन लिया है, तो वो दुआ में शामिल करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेमुना, आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं, आपने रौनक बख्शी है हम सबके साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सबके जो है आप दुआ में शामिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، الہی اپنی محبت و معرفت عطا فرما، الہی اپنی رضا و قربت نصیب فرما، الہ العالمین اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جتنے بندے تیرے حج کے لیے آ رہے ہیں یا رب، سب کے لیے حج آسان فرما،
कबूल फरमा। इलाही अपने घर के दरवाजे खोल दे, पूरी दुनिया से लोग तड़प रहे हैं तेरे घर आने को। या रब सबके लिए आसानियां फरमा दे। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मग़फ़िरत आमा फरमा दे, रहमत आमा फरमा दे। या रब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तेहाद अता फरमा। या रब फिरका बंदी की लानत से निजात अता फरमा। इलाहल आलमीन, ईमान, हिदायत, इत्तेहाद या रब हमारा नसीब कर दे। ऐ पाक परवरदिगार, कुरान पढ़ने वाला बना दे। इलाही बाकायदगी से तिलावत कलाम पाक नसीब कर दे, इसकी समझ अता फरमा, इस पर अमल नसीब कर दे, इसकी तबलीग की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज्जत, अगला महीना तेरा पाक ज़िलहज का महीना है, वल फज्र वल लयालिन आशर। या रब हमें उसकी इबादत नसीब कर दे, उसकी दुआएं नसीब कर दे। इलाहल आलमीन, उन खुशकिस्मत लोगों में बना दे जिन्हें तू अरफात नसीब करेगा, मुजदलिफा नसीब करेगा। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। या रब मुस्तजाब दावात बना दे, या रब अपनी राह में कबूल फरमा ले, या रब अपनी राह में कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन, हमारे ईमान को इखलास अता फरमा। या रब हम सबको सब्र शुक्र वाला बना दे, तवक्कुल वाला बना दे, अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमा ले। इलाहल आलमीन, अपनी मखलूक के लिए नफामंद बना दे। या रब उन लोगों में बना दे जिन पे कि तू नाज किया करता है। या रब उन लोगों में बना दे जिन पे कि तेरा हबीब नाज किया करे। या रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी अता फरमा दे, इस जिंदगी में भी, मरने के बाद भी, आखरत में भी और जन्नत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज कौसर से पीना नसीब कर दे। या रब वो जन्नत अता फरमा जिसमें तू अपना दीदार कराएगा, सुबह शाम अपना दीदार नसीब कर। या रब्बुल इज्जत, अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। या रब जिस जिस बहन भाई ने कभी भी किसी भी दुआ के लिए कहा, या रब सबकी हाजात पूरी फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा। या रब सब बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। या रब मुसलमानों को इज्जत अता फरमा। या रब मुसलमानों को जिल्लत के गढ़े से निकाल दे। या रब पाकिस्तान पे रहम फरमा, हमारे वतन को इस्लाम का मजबूत कला बना दे। ए अल्लाह, कश्मीर पे, फलस्तीन पे और मुसलमान जहां जहां परेशान हाल, उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। इलाहल आलमीन, हम सबको मुस्तजाब दावात बना दे। या अल्लाह माफ कर दे, हम जो हैं जैसे हैं तेरे बंदे हैं, या सबको माफ कर दे, छोटे बड़े, जान के किए, अनजाने में किए, सब गुनाहों से या रब हम तौबा करते हैं, तू हम सबको माफ कर दे। इलाही तेरी खुशनूरी के लिए, तेरी मोहब्बत में हम सबको माफ करते हैं जिसने हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती की। या रब हम उन सबको माफ करते हैं। इलाही तू हमें माफ कर दे। या रब हमें दुआ मांगना नहीं आता, तुझे अता करना तो आता है। अपनी शाने करीमी से हर वो चीज अता कर दे जो हमें चाहिए, जो हमने मांगी नहीं मांगी तुझे तो मालूम है। या रब हमारे अमाल को ना देख, तू अपनी शान को देख, अपने करम को देख। या रब हम सब से रहम का मामला फरमा, हम सब से दरगुजर का मामला फरमा। इलाहल आलमीन, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम। आमीन।
कैपिटल टीवी वॉशिंगटन।